रतलाम खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रतलाम हॉकी फिडर सेंटर ने 3-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में 5 टीमों ने भाग लिया, जिसमें रविवार को हुए फाइनल मुकाबला रतलाम हॉकी एसोसिएशन की ओर से रतलाम हॉकी फीडर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में फीडर ने 3-1 से जीत दर्ज कर ली। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि SP गौरव तिवारी, खेल विभाग अधिकारी रूबेका दीवान, विजय सिंह चौहान, हितेश पेमाल थे। IBN 24 के लिए जाकिर कुरैशी की रिपोर्ट। जैसा कि हमारी स्पोर्ट्स अधिकारी रूबेका मैडम ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण खिलाड़ी लोग काफी हो गए थे और इस कारण से हम लोगों ने टूर्नामेंट का आयोजन किया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी जिला खेल अधिकारी रूबेका मैडम को, उन्होंने फीडर सेंटर के माध्यम से और जिला हॉकी संघ के माध्यम से हमने आज ये 2 दिवसीय आयोजन आयोजित किया है और हम बहुत आभारी हैं हमारे पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी जी का। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को आके बहुत मोटिवेट करा और जो हमारे को ग्राउंड के लिए बोल के गए हैं तो हम उसके लिए उनका बहुत शुक्र अदा करेंगे यदि वो हमारे को ग्राउंड अवेलेबल कराते हैं। रूबेका मैडम हमारे लिए निरंतर ग्राउंड की हमारी मांग को मान रही है और हमारी बात आगे रख रही है। यदि हमारे को ग्राउंड उपलब्ध हो जाता है तो निश्चित ही हमारे खिलाड़ी रतलाम के जो खिलाड़ी हैं, जो अभी कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपयोगिता और अपनी योग्यता और अपना खेल दिखाया, उन्होंने भविष्य में और भी खिलाड़ी रतलाम शहर का नाम रोशन करेंगे। ये जो हॉकी का टूर्नामेंट 6-a-side जो चल रहा है रतलाम जिले में, ये COVID-19 से साल भर हो गया है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि स्पोर्ट्स में कुछ हो। हमारा जो फीडर सेंटर है वो तो समथिंग जून जुलाई से हमारे कोचेस ने स्टार्ट कर दिए थे और उसके साथ में हॉकी जो एसोसिएशन है रतलाम का, वो उनकी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत एक्टिव है हॉकी एसोसिएशन और उन लोग इंटरेस्ट रखते हैं, हमेशा मुझसे आके मिलते हैं ऑफिस में, जो भी बातें हैं हॉकी से संबंधित वो बातें मुझसे करते हैं। तो मैं हमेशा इनसे हमेशा अपना संबंध बनाए रखना चाहती हूँ कि इन लोग हॉकी के जो अभी जितने भी खिलाड़ी रतलाम में निकले हैं इंटरनेशनल लेवल तक, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक लिफ्टर हूँ, मैंने लिफ्टिंग किया है। बाकी ये है कि मुझे और गेम का भी बहुत सारा गेम मैंने खेली हूँ, जैसे खो खो, कबड्डी हो गया अपना, अभी पावर लिफ्टिंग में आई हूँ, एथलेटिक्स में थी मैं, पर हॉकी से मैं रतलाम में आके बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ क्योंकि यहाँ फीडर सेंटर है और हमारा फीडर सेंटर का जो कोच है वो भी बहुत ध्यान रखता है अपने बच्चे लोग का और प्रैक्टिस कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती है। रेलवेज के जो सीनियर्स हैं वो भी पूरा सहयोग देते हैं, जितने भी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उन लोग भी हॉकी में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं और आज इसी तारतम्य में इन लोगों ने आज हमारे फीडर सेंटर और हॉकी एसोसिएशन ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना एक जिला लेवल का एक टूर्नामेंट कराया जाए। तो हमने जिले में कम से कम 5 टीमें रख करके ये 7-a-side का हॉकी टूर्नामेंट करवाया। बहुत खुशी की बात ये कि इसमें हमारे जो नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने आके यहाँ पर जो बच्चे लोग को मोटिवेट किया और जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन लोग से जो चर्चा की, बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा रहा। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार का टूर्नामेंट सिर्फ हॉकी का ही नहीं और भी बहुत सारे यहाँ पर एसोसिएशन से उन लोग भी अपने टूर्नामेंट्स करवाए डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ताकि बच्चे स्पोर्ट्स से ज़्यादा जुड़ सके। और फिर एक बार में हॉकी एसोसिएशन और जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज उन लोगों ने जो ये टूर्नामेंट्स करवाया वो बहुत ही सराहनीय।